अंबाला छावनी में बढ़ रहे अतिक्रमण के मामलों पर रोक लगाने के लिए नगर परिषद टीम तत्पर रहती है। अतिक्रमणकर्ताओं को उनके नाजायज कब्जे हटाने के लिए परिषद बार बार वार्निंग भी देती चली आ रही है, बावजूद इसके लोग अतिक्रमण करने पर उतारू हैं। नगर परिषद सचिव राजेश कुमार के नेतृत्व में परिषद की टीम पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने के लिए रेजिमेंट बाजार इलाके में गई। जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की तभी घर वालों ने टीम का विरोध करना शुरू कर दिया तथा नगर परिषद सचिव पर 50,000 रिश्वत मांगने का आरोप जड़ दिया। महिला व उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि मोहल्ले में और लोगों ने भी अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन परिषद में सेटिंग के चलते उनके अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे। महिला ने सरेआम कहा कि नगर परिषद सचिव ने उनका अतिक्रमण न हटाने की एवज में पैसे की मांग की थी, जिसे वह पूरा नहीं कर पाए, तभी परिषद यहां कार्रवाई करने चला आया। महिला ने कहा है कि उन्होंने खून पसीने की कमाई से यह मकान बनाया है, जिसे वह किसी भी सूरत में गिरने नहीं देंगे। मामला ये था क्योंकि यहाँ पे मोहल्ले वालों ने सबने नोट खिलाए, हमारे से सेक्रेटरी 50,000 रुपए मांग रहा था कि आप हमें 50,000 रुपए दोगे तो आपका कोई तोड़ने नहीं आएगा। हम वहाँ पे निगम में गए, मैंने कहा सर हमारे पास नहीं है, जो पैसा था हमने अपने मकान में लगा दिया, अब हमारे पास, कह रहे हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पे सबने पैसे दिए और वहाँ पूरा मोहल्ला आपका हमारे यहाँ पे आता है, बार बार आ रहा है, पैसे हमने उनके ले रखे, आप हमें 50,000 रुपए दे दो तो हम आपकी कोई भी वो नहीं करेंगे, ना तोड़ फोड़, आप अपना बना रहेगा जैसे मर्जी। जैसे कि यहाँ पर कोर्ट में केस आप हार चुके हैं, नहीं अभी नहीं, अभी मेरी 26 तारीख लगी है सर। तो उनका कहना तो यही है कि अभी सेक्टर नहीं, अभी 26 उनके पास नोटिस है इस टाइम? नहीं सर, हमें हमारे को इस चीज का कोई वही नहीं है, अभी हमारे को ना उन्होंने कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया, अभी हमारे को कुछ भी नहीं दिया गया, वो आए और तोड़ने लग गए। तो उनका कहना कि ये घर है जो आपका आगे बढ़ा हुआ है? हाँ जी बढ़ा हुआ, ये अभी से नहीं है, 30 साल तो हमारे को यहाँ पे देखते हो गए, इससे पहले हमारी सासू जी रहती थी और इसका हम 34 गज का हम टैक्स भी भर रहे हैं, 34 गज में इनके वहाँ पे उनपे कंप्यूटर भी, हर एक इनका रिकॉर्ड है कमेटी वालों के पास, लेकिन कुल मिला के हमारे को नाजायज हमारे साथ हो रहा, क्यों हो रहा, क्योंकि हम इनको सेक्टरी को 50,000 नहीं दे पाए और हमारी गली में जैसे हमारे और भी हमारे कॉर्नर के लोगों ने यहाँ पे आधी आधी सड़क पे मकान बना रखा, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उन लोगों का ये प्रेमचंद है उनका गली में बना, ये शंभू प्रसाद है उनका कोने पे बना हुआ, आगे बुधराम राजू है उनका भी बना है, अभी जो ताजे बने हुए हैं उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास नोट है, हमारे पास नोट नहीं है, ये कमेटी वाले नोट खा के काम, हमारे पास नोट नहीं है, अब तो इसलिए अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं हमारे जहाँ पे जैसे हम बैठे हैं 50 सालों से, हम आज भी वहीं बैठे रहे, हमारे साथ गलत और नाइंसाफी की जा रही है। तो उसका केस चल रहा था ना? हाँ जी केस चल रहा था कोर्ट में, अभी दूसरी तारीख लगी है 26, पहली लगी थी 15 और अब अगले महीने की 26 तारीख लगी। क्या नाम है, क्या एरिया है इसका? यहाँ बीसी बाजार डेरा बत्ती। आपका नाम? सुनीता सैनी। इस बारे में नगर परिषद सचिव राजेश कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकर्ता ने अपने घर का गेट परिषद हद के बाहर लगा रखा था, जिसे हटाने के लिए वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की, तभी घर वालों ने विरोध शुरू कर दिया। परिषद सचिव ने कहा कि उनके साथ पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है तथा जो भी घर अतिक्रमण के दायरे में आता है उसे कानूनन हटाना जरूरी है। सचिव राजेश ने कहा अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा लगाए गए रिश्वत के आरोप निराधार हैं, वह जानबूझकर ड्रामा कर रहे हैं। इसमें जो इनको इन्होंने सरेआम गली में जो कब्जा किया है उसके तहत इनको जो पहले नोटिस भी दिए गए तो, लेकिन इनको जो गली से हट के पूरी गली में जो आगे 3 फुट के लगभग आसपास जो कवर किया है उसी को गिराने के लिए आज नगर परिषद की टीम आई है, क्योंकि ये अपना जो पार्टी द्वारा ये कोर्ट में भी गए हैं तो कोर्ट से भी इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है, तो इनको ये जो कोर्ट डिसमिस हो चुका है, केस डिसमिस हो चुका है, तो अपना ये जो पुलिस नगर परिषद द्वारा यहाँ जो कार्रवाई करने के लिए आए हैं, लेकिन जो अपना इस समय मौके पर जो ये कोई लेडीज हैं या ये 2-3 लड़कियाँ जो इन द्वारा कोई मतलब मिसबिहेव किया जा रहा है, अपना ड्यूटी में बाधा उत्पन्न की जा रही है, तो उसके तहत हमने जो अपना पुलिस लेडीज पुलिस फोर्स के लिए मांग की है ताकि ये जो मौके पे जो ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, इनको कहने का अधिकार है, ओपन है, मतलब उसमें कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन जो सच का सच और झूठ का झूठ तो वो तो है ही है, हम सामने खड़े हुए, जो बोलने कहने का तो किसी का भी तंत्र है, लड़का भी बोल रहा है 50,000 रुपए लिए, कोई बात नहीं, जो लिए कहने का उसको अधिकार है, किसी को भी है अपनी गरी के लिए तहत वो जो भी कुछ बोलेगा तो बोल सकता है, बोले जो भी मतलब, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इसमें है कि हम जो पुलिस फोर्स लेडीज पुलिस फोर्स के लिए मांग की जा रही है तो वो हम इसको मांग रहे हैं। ऐसा भी अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।